मौसम विभाग IMD ने अगले दो दिनों के दौरान पूर्वी और आसपास के मध्य भारत में बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद बारिश काफी कम हो जाएगी और अगले 4-5 दिन उत्तर भारत में बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। एक पश्चिमी विक्षोभ 16 और 17 जनवरी को उत्तर पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करेगा और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 18 से 20 जनवरी तक उत्तर भारत को प्रभावित करेगा। IMD का कहना है कि बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आज विदर्भ और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 14 और 15 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश में और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 15 जनवरी तक अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। IMD का कहना है कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और निचले शोभ मंडल के स्तर पर दक्षिण तमिलनाडु में एक चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के चलते अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में अलग अलग हल्की वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है जिसे ऊपरी शोभ मंडल स्तरों में एक ट्रफ के रूप में देखा जाता है और एक अन्य ट्रफ है जो उत्तर आंतरिक कर्नाटक से उत्तरी आंतरिक ओडिशा तक निचले शोभ मंडल स्तरों में चलती है। निचले शोभ मंडल स्तरों में दक्षिण कोंकण के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। उपरोक्त प्रणालियों के प्रभाव में आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं बात करें अगर दिल्ली NCR की, तो दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड पड़ने का दौर जारी है और तापमान में भी लगातार गिरावट हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। IMD के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली में घने कोहरे के साथ भीषण ठंड पड़ सकती है। इसी तरह NCR में भी काफ़ी ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि NCR के नोएडा में सुबह में कोहरा छाने के बाद आज धूप निकलने की भी संभावना है, लेकिन कल से बादल छाए रहेंगे। दूसरी तरफ गुरुग्राम में आज से ही बादल छाने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से 18 और 19 जनवरी को दिल्ली NCR में फिर हल्की बारिश हो सकती है। अगले हफ्ते से दिल्ली NCR में ठंड में कमी आने के भी आसार हैं। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा 5.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। सुबह घना कोहरा छाया रहा और 7 बजे दृश्यता कम होकर 100 मीटर तक रह गई। वहीं दिल्ली में आज यानी शुक्रवार को अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।